ये हमारे पास जो है 11 तारीख को मामला आया था कि कोई देशराज 9 तारीख को अपने घर से बिना बताए वो कहीं निकल गए हैं। पुलिस थाना लंबा गांव के तहत ग्राम पंचायत दुगो निवासी लापता एक व्यक्ति का शव जंगल में मिला। ये व्यक्ति पिछले 19 दिनों से लापता था, जिसका शव नागबन जंगल में नाले के बीच पानी में पड़ा हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति के भाई राजकुमार पुत्र प्रमोद सिंह ने पुलिस थाना लंबा गांव में अपने छोटे भाई के गुम होने की रिपोर्ट 11 मार्च को दर्ज करवाई थी। देशराज उर्फ पिंकू 9 मार्च से लापता था। राजकुमार ने बताया कि देशराज मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उन्होंने देशराज को अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस भी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश कर रही थी। शनिवार शाम को 7 बजे के करीब देवी सुख नामक भेड़ पालक, जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चराने बैजनाथ से यहाँ आया हुआ है, जब इस जंगल में बकरियाँ चरा रहा था तो बकरियाँ पानी पीने के लिए नाले की ओर ले गया। तब देवी सुख राम को नाले में पड़ा एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना भेड़ पालक ने ग्राम पंचायत गोह के पूर्व प्रधान मातवर सिंह राणा को फोन के माध्यम से दी, परंतु रात होने के कारण जंगल में जाना संभव नहीं था। अतः सुबह ग्राम पंचायत गोह के प्रधान राजीव राणा पुलिस टीम एवं ग्रामीणों के साथ जंगल में पहुंचे तो देशराज उर्फ पिंकू नामक व्यक्ति, जो कि पिछले 19 दिनों से लापता था, का शव नाले में पानी के बीच पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पालमपुर भेज दिया। थाना प्रभारी लंबागांव केसर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सब परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा एवं रिपोर्ट दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी है। पीआर न्यूज़ सहयोगी सम्मी धीमान की रिपोर्ट। ये हमारे पास जो है 11 तारीख को मामला आया था कि कोई देशराज 9 तारीख को अपने घर से बिना बताए वो कहीं निकल गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई गई, जिस पर जो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पास जो है रिपोर्ट हुई थी, जो उसकी तलाश की गई थी, पुलिस ने भी तलाश की थी तथा परिवार वालों ने भी तलाश की थी। आज जो है प्रातः प्रधान जी ने फोन पर बताया कि उनकी डेड बॉडी को जो है जंगल में नाले के पास देखा गया है, जिस पर पुलिस मौका पर आई हुई है और मौका पर हालात तस्दीक किए तो देशराज जी की डेड बॉडी जो है नाले के बीच में पड़ी पाई गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए जो है डेड बॉडी को पालनपुर भेजा जा रहा है।